कांग्रेस नेता भक्त चरण दास के लिए भक्षोनर जैसे शब्द का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में किया और बिहार में सियासत में भूचाल मच गया। जेडीयू के नेता है अशोक चौधरी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आरजेडी शुरू से ही दलित विरोधी रही है। क्या कुछ कहा है पहले अशोक चौधरी ने, वो सुनिए। प्रसाद यादव जी ने दलित विरोधी बयान दिया है। इनके बार बार इनके 15 साल के शासनकाल में भी किस तरह से दलितों का नरसंहार हुआ ये सब लोग जानते हैं, और किस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश में सामाजिक द्वेषता फैलाई और शासन करने का काम किया। लालू प्रसाद 100% दलित विरोधी हैं, इसीलिए किसी के प्रति, किसी भी लोगों के प्रति राष्ट्रपति का कार्यक्रम का बहिष्कार करना ये इस बात को प्रमाणित करता है कि राष्ट्रपति दलित परिवार के थे, उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। अब इस तरह का बात तो हम लोग दूसरे राजनीतिक दल के लोगों के बारे में भी नहीं कहते हैं, और इस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस के महामंत्री के लिए माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया जो हम लोग मुंह से भी नहीं ले सकते। ये पार्टी पूरी तरह से दलित विरोधी पार्टी है और दलित विरोधी मानसिकता से ओत प्रोत ये राजनीतिक दल है। तो आपने सुना अशोक चौधरी को, उन्होंने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया है और कहा है शुरू से ही आरजेडी का ये चरित्र ही रहा है कि दलित को गाली देना है, इस कारण ही उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। आपको बता दें लालू प्रसाद यादव दिल्ली में भक्त चरण दास को लेकर के भक्चोनर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद से कांग्रेस के नेताओं ने भी लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को चेतावनी दे डाली है कि अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लगातार होता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब कांग्रेस भी आरजेडी के नेताओं को ऐसे ही भाषा से संबोधित करेगी। हालांकि जेडीयू नेता ने पूरे तरीके से इस बात को खारिज किया और कहा है कि ऐसे शब्द इस्तेमाल राजनीति में नहीं होनी चाहिए। अब लालू प्रसाद यादव का इंतजार हो रहा है, उनके कार्यकर्ता पटना में उनका इंतजार कर रहे हैं, और अब भक्त चरण दास और कांग्रेस के सीनियर लीडर इस बयान पर क्या कुछ कहते हैं, उन तमाम खबरों से हम आपको जोड़े रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सके।